हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मिनमिन पीबी सिरप के बारे में। दोस्तों, जो मिनमिन पीबी सिरप है, डेंगू में यूज किया जाने वाला सबसे ज़्यादा सिरप है। जब इंसान को डेंगू होता है तो उसमें से आपको मिनमिन पीबी सिरप डॉक्टर द्वारा दिया जाता है या कोई दूसरी कंपनी का जो होता है उसको दिया जाता है। देखो, जब बरसात का मौसम आता है तो उस टाइम पे डेंगू और मलेरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस केसेस में अभी बरसात का मौसम चल रहा है और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में मिनमिन पीबी सिरप के बारे में, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, डोज कैसे लेना है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, कितने रुपये का आएगा और कहाँ पर मिलेगा। तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनमिन पीबी सिरप के बारे में। देखो, इसको RPG लाइफ साइंस द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक अच्छी कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये आपको सिरप के फॉर्म में मिलेगा, जो कि 120 ml रहता है, 120 ml, जिसकी प्राइस 385 रुपया है, करीब 400 रुपये हैं। ये आपको आपके जो नज़दीकी बड़े मेडिकल है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या डाला गया है। तो इसमें डाला गया है करिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जो कि पपाया का लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, पपाया का जो लीफ होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो डाला गया है। तो इसमें वो डाला गया है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो इसका जो मेन यूज है, डेंगू में हमारा जो प्लेटलेट है वो कम हो जाता है। तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो मेन यूज है ये यही है कि हमारा प्लेटलेट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक दो और इसके यूज हैं, बट मोस्टली इसको डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ही देते हैं। इसका टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, डिपेंड रहता है जो बच्चे टाइप में होते हैं उनको सिरप देते हैं, या जो बहुत ज़्यादा सिरप नहीं ले सकते हैं उनको टैबलेट दिया जाता है। तो डिपेंड रहता है कि सिरप लो या टैबलेट लो। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया बहुत लोगों को होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है, सर घूमने लगता है, बहुत आलसीपन लगता है, बट बहुत कम लोगों में। अब देखो, इसकी डोज की बात करें कि इसका डोज कैसे लेना है। तो इसका जो डोज है, 1 साल का बच्चा कोई है और उसकी उम्र 1 साल से या 5 साल के, 1 और 5 साल के बीच में कोई भी है जो, उसको 5 ml दिन में 3 बार देना रहता है, खाना खाने के बाद या पहले आप दे सकते हैं कभी भी। उसके अलावा 5 साल से लेकर अगर 18 साल का कोई भी है तो उसको हम देते हैं 10 ml दिन में 3 बार। और उसके अलावा अगर 18 साल से अबव 60 साल, 80 साल, 100 साल तक का है तो उसको 15 ml दिन में 3 बार देते हैं। अब देखो, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम रहता है तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली रहता है तो फिर हम उसको ये सिरप या टैबलेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके डोज हैं। सेफ्टी की बात करूं तो ये बिल्कुल भी सेफ़ है, इसको सब सेवन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट महिला हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, या आपको बहुत लंबे समय से कोई दवा चल रही है पेट की, हार्ट की, ब्रेन की, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह से अपने से बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मिनमिन पीबी सिरप की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।